वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम महिला, और आज की ही वीडियो में दोस्तों हम पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को दोस्तों खत्म करने वाले हैं। तो बिल्कुल ट्रिक के साथ में आप सभी को समझाया जाएगा भारत में प्रथम महिला। देखिए आगे भी दोस्तों आप सभी को ऐसी ट्रिकी और मजेदार वीडियोस देता रहूंगा। साथ ही दोस्तों इसके साथ में सुबह 6 बजे आप सभी को लाइव आकर करंट अफेयर्स दे जाती है, तो बिल्कुल आप करंट अफेयर्स में भी दोस्तों रोजाना शामिल हो सकते हैं। उसमें दोस्तों पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला है देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, नेशन, ठीक है, तो नेशन मीन्स तो दोस्तों राष्ट्र होता है, वैसे जो राष्ट्र होता है दोस्तों देश के लिए बोल देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, देश का राष्ट्रपति। देखिए जो देश का राष्ट्रपति होगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद इतना दोस्तों अपने आपे में इतनी अहमियत रखता है, तो उसके लिए हर किसी को क्या चाहिए, देखिए हर किसी को दोस्तों क्या चाहिए, प्रतिभा चाहिए, ठीक है, हर किसी को क्या चाहिए, प्रतिभा, ठीक है। तो राष्ट्र का पति बनने के लिए क्या होनी चाहिए अपने पास में, प्रतिभा होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा एक बार, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार और ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। देखिए प्रधानमंत्री तो अपना ऐसे रिलेट करिए इसे, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री आजकल आपके गांव में होते हैं, देखिए प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रधान होता है, ठीक है, गांव का होता है, देखिए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री। अब इंदिरा, अब आप बहुत देखा होगा आपने गांव में बाजार में तो क्या होता है, प्रधान जब जा रहा होता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं इंदिरा, अरे इधर आ, ठीक है, इंदिरा अरे इधर आ, बना दूंगा तुझे क्या प्रधानमंत्री, ठीक है, बना दूंगा तुझे प्रधान, इधर आ इंदिरा, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करके कुछ याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी दोस्तों मीरा कुमार, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। देखिए जब लोगों की सभा अगर कहीं चल रही है, बाय द वे उसमें कुछ, ठीक है, दंगा फंगा हो जाए, ठीक है, दंगा वंगा हो जाए, तो क्या हो जाता है दोस्तों, उसमें क्या गलत हो जाता है, मीरा, ठीक है, मार, तो क्या हो जाता है दोस्तों, मार लग जाती है, ठीक है, चाहे वो मीरा हो चाहे वो टीना हो, किसी को नहीं छोड़ा जाता, सब में मार लगाई जाती है, ठीक है। तो मीरा कुमार लोकसभा यानी लोगों की सभा चल रही थी, दंगा हो गया भाई, दंगा होने पे क्या हुआ, मार लग गई, ठीक है, तो मीरा कुमार। नेक्स्ट वन देखिए, लोकसभा के प्रथम, ठीक है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे, ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, स्नेहलता श्रीवास्तव थी, ठीक है, महासचिव, ठीक है, सचिव, अब सचिव को रिलेट कीजिए, सचिव यानी सच, ठीक है, सचिव यानी सच। देखिए सच जो बोलता है दोस्तों तो उससे हर कोई पूछता है क्या वास्तव में ऐसा था, ठीक है, मान के चलिए कहीं कोई घटना हुई है, ठीक है, तो वो सचिव यानी कि सच बोल रहा है, तो हर कोई शक की नजर से देखता है और कहता है यार बता सच सच, ठीक है, सच सच बता क्या वास्तव में ऐसा था, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थे, स्नेहलता श्रीवास्तव। नेक्स्ट वन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और ये पूछा है इसमें भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी, ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी, तो वो थी दोस्तों वायलेट अलवा, ठीक है, वायलेट अलवा थी। देखिए उपसभापति की बात चल रही है अब, ठीक है, यहां से आपको ऐसे याद रखना है, देखिए उपसभापति तो पति, उपसभा यानी शोभा, शोभा का जो पति है वो मेरे अलावा, ठीक है, लेटे लेटे क्या करता है, मेरे अलावा लेटे लेटे दूसरों को भी देखता है, ठीक है, उपसभा यानी जो शोभा है, शोभा का जो पति है वो इतना मतलब बदतमीज है,
वो लेट लेट कर मेरे अलावा दूसरों को भी देखता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ याद रख लेना है। अगला देखिए, 6 नंबर, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ठीक है, तो वो थी दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौन थी, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखिए केंद्रीय की बात चल रही है और यहाँ पर है कौर। ठीक है, तो केंद्रीय कौर, ऐसे आपको रिलेट कर लेना है इसे आसानी के साथ में। ठीक है, भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। या फिर आपको ऐसे याद रखना, केंद्रीय, केंद्रीय यानी दिया भाई, दिया थोड़ा सा हमें भी दे दे क्या अमृत। ठीक है, केंद्रीय भाई दे दे दिया, दिया तो दिया किसे दिया, अमृत दे दे यार, अमृत थोड़ा भी हमें दे दे यार। अगला, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला सांसद थी राधाबाई सुबारायन। ठीक है, राधाबाई सुबारायन भारत की प्रथम महिला सांसद थी। देखिए सांसद की बात आ गई, देखिए सांसद में से आपको रटना है सास। ठीक है, देखिए सास कैसी होती है, सुबह रायन, देखिए सुबह सुबह क्या लगा देती है, रायन, अरे अलाप सा लगा देती है सुबह रायन। ठीक है, सुबह से ही क्या लगा देती है, सुबह सुबह, सुबह सुबह लगा देती है, जो सास होती है घर में वो क्या लगाती थी, सुबह सुबह रायन यानी राग सा लगा देती है वो। ठीक है, राग सा लगा देती है सुबह रायन। ठीक है, सुबह सुबह रायन, सुबह सुबह राग सगा देती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू, और वो थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको राज्य की बात आ रही है और इधर है पाल। ठीक है, तो प्रथम महिला राज्यपाल थी, फिर राज्यपाल में वर्ड पकड़िए पाल। ठीक है, देखिए पाला किसे जाता है, नायडू, नायडू से आप याद रखिए आडू। ठीक है, देखिए जो आड़ू बोए जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, बिल्कुल उनका पाल, ठीक है, यानी पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की। अगला देखिए, 9 नंबर, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी रोज मिलियन बैथू। ठीक है, रोज मिलियन बैथू थी। देखिए यूपीएससी, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, रोज जो है मिलियन बैथ्यू, यानी कि जो क्वेश्चन है बैथ्यू या फिर कुछ वर्ड जो है दोस्तों आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, रोजाना मिलियन मिलियन सेकेंड्स पढ़ना पड़ेगा, बैथ्यू यानी बैठने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट नंबर, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। देखिए प्रथम महिला शासिका की बात आ रही है, शासिका, अब शासिका दोस्तों शासन करने वाली होती है। ठीक है, रजिया यानी राजी से ही क्या कर दिया, सुल्तान, तान चला दी राजी से ही। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट वन, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी दोस्तों, वो थी अन्ना जॉर्ज। ठीक है, अन्ना जॉर्ज आईएएस। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, अन्ना जॉर्ज। देखिए आईएएस तो आपने सुना होगा क्या होता है, देखिए आईएएस हमारे यहाँ पर सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती है हमारे देश में। ठीक है, तो जो आईएएस का पद होता है दोस्तों उसके लिए हर कोई क्या करता है, अन्ना, ना 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 अन्ना ना यार, ना ना यार बहन, जो पता ना आईएएस क्रॉस होगा ना होगा। ठीक है, अन्ना भाई ना ना होगा यार, जार्ज यानी कि ना होगा पास भाई, आईएएस का है क्या पड़ेगा। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ठीक है, आईपीएस, आईपी, ठीक है, पी क्या पी भाई, बेदी। ठीक है, की किरण बेदी, पी भाई पी, आई पी, तो आई पी क्या पी, कुछ भी पी, बेदी सेदी जो भी हो। ठीक है, तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला देखिए,
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी दोस्तों सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए कृपलानी यानी कृपा लानी चाहिए जनता के ऊपर, तभी तो क्या बन सकते हैं आप, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगला देखिए, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? वो थी दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, केंद्रीय, ठीक है, तो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। देखिए जो केंद्रीय होता है, देखिए केंद्रीय मंत्री जो होता है उसे क्या करनी पड़ती है, गौर करनी पड़ती है यानी कौर। ठीक है, तो क्या करनी पड़ती है, कौर यानी गौर करनी पड़ती है उसे, बिल्कुल। अगला देखिए, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। देखिए कांग्रेस, अब कांग्रेस का आप सभी लोग हाल जानते हैं, उसने दोस्तों किसे, सेंट लोग यानी साधु लोगों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने सेंट यानी साधु लोगों को बढ़ावा दिया था, तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, न्यायाधीश की बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए न्यायाधीश को क्या कहते हैं, सभी सभी लोग कहते हैं साहिब। ठीक है, साहिब कहते हैं, भाई मेरे साहिब। ठीक है, माई लॉर्ड, मेरे साहिब। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। माई लॉर्ड, मेरी बीबी ने ऐसा कछु नहीं किया। ठीक है, अगला देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की बात चल रही है, तो वो थी दोस्तों उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आज भी भारत के समाज में, ठीक है, सेठ लोग जो होते हैं दोस्तों उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें मुख्य माना जाता है, क्योंकि उनके पास पास में पैसा काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, मुख्य, ठीक है, तो लीला, हमारे गांव में एक लीला है जिसका नाम पुराने दौर में हथौड़ा था, तो वो बिल्कुल हमारे गांव का मुखिया था। ठीक है, तो लीला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और सब लोगों के लिए न्याय करता था लीला, और उसे कहते थे हथौड़ा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट वन, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। ठीक है, चांडी, देखिए सत्र न्यायाधीश की बात चली, सत्र, ठीक है, देखिए सत्र, सत्र चंडा यानी चांडी, देखिए सत्र चंडी घूमती है तेरे जैसी मेरे पीछे, चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी सत्र न्यायाधीश, तो आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखिए तेरे जैसी सत्र चंडी घूमती है, गांव की महिलाओं का आपने हाल सुना होगा, तेरे जैसी सत्र चंडी घूमे मेरे पीछे, बता मेरा कुछ हुआ, मेरा कुछ ना होगा तेरे से। ठीक है, तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी चांडी। सत्र की बात आते ही ध्यान में आ जाना चाहिए आपको, तेरे जैसे सत्र घूम रही है, बता क्या करेगी चंडी तू मेरा। अगला, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों नीरिजा भनोट। ठीक है, नीरिजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली, देखिए अशोक की बात हो रही है, शोक, ठीक है, शोक, और आप लोग जानते होंगे शोक में क्या होता है, भनोट यानी भनोट, जब किसी को भनोट से आप याद रखिए चोट, जब किसी को चोट लग जाएगी भरसोट, तो वो क्या हो जाएगा, उसको शोक। ठीक है, तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरिजा भनोट। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, राजदूत, ठीक है, यानी राज का दूत। अब देखिए राज का दूत कौन होता है, पंडित, बिल्कुल विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब जो राज का जो दूत होता है दोस्तों उसे क्या करना पड़ता है, उसे विजय, ठीक है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब समझ के, धन पर भी विजय प्राप्त करनी होती है, तभी चलता है राज। ठीक है, चलिए राज चलाने के लिए क्या चाहिए, लक्ष्मी यानी कि पैसा चाहिए भाई, विजय भी प्राप्त करनी पड़ती है राज। ठीक है, राज के लिए क्या करना पड़ता है, विजय, जब ही राज बना रहेगा, वरना ले जाएगा कुछ इनके जेब में धर लेगा। अगला देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, देखिए तो वो थी आरती साह। देखिए
तैरने की बात आ रही है ना, चैनल तैर कर, ठीक है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली। देखिए तैर कर सहा, यानी साहसी लोग ही तैर कर पार कर सकते हैं, ठीक है, साहस होना चाहिए तभी आप तैर कर पार कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश चैनल को, तो आरती सहा। नेक्स्ट वन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, नोबेल, ठीक है, नोबेल, बेल, अब देखिए बेल चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ठीक है, क्या हो जाता है उसका, टेरेसा, ठीक है, टेरेसा, बेल चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसमें से जो रेसे है ना, रेसे, टेरेसा, वो ज्यादातर रेसे निकल ही जाते, ठीक है, तो नोबेल, बेल चाहे कितनी मजबूत हो, 9 हो या 10 हो, उनमें से क्या होता है दोस्तों, रेसे निकल ही जाते हैं, बेकार हो ही जाती है वो, ठीक है, टेरेसा। अगला देखिए, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल थी प्रथम भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंची थी। देखिए शिखर पर पहुंचने के लिए बछेंद्री, आपने देखा होगा जो गाय का बछड़ा होता है वो कितनी छलंगी मारता है, ठीक है, और तभी वो शिखर पर पहुंचने की उम्मीद रखता है, तो एवरेस्ट, ठीक है, रेस्ट यानी शिखर पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बछेंद्री, ठीक है, तो यानी जो आपको बछेंद्री यानी बचपनी अपनी हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ याद रख सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। अगला, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कुमारी रीता फारिया, ठीक है, रीता फारिया थी मिस वर्ल्ड। देखिए मिस वर्ल्ड की बात चल रही है तो आपको कैसे याद रखना है ये ट्रिक से, देखिए मिस वर्ल्ड यानी कि मिस वर्ल्ड बनने के लिए क्या किया, रीता ने फारिया यानी फाड़ दिया, बे फाड़ दिया सबको, ठीक है, मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। नेक्स्ट वन देखिए, 25, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए एक बार तो सब कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बार चढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, तो संतोष यादव थी। अगला, मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन थी? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन, ठीक है, तो मिस यूनिवर्स की बात चलिए, यूनिवर्स, ठीक है, और यहाँ पर है सुष्मिता सेन। देखिए आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, यूनिवर्स, अब यू, यूनि भाई, ये वर्ष नहीं भाई, ठीक है, कौन सा वर्ष भाई, वो सामंत सेन वाला यानी यानी सुष्मिता सेन, ठीक है। अगला देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी थी। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशा पूर्णा। देखी देखिए ज्ञान की बात चलिए, ज्ञान पूर्णा, ठीक है, जो पूर्ण ज्ञान किस तरह लिया जाता, पूर्णा, ठीक, पूर्णा यानी पूर्णा, ठीक है, तो जो ज्ञान है दोस्तों वो पूरी तरीके से लिया जाता है, तो आशा पूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों एल लम्स, ठीक है, एल लम्स डैन, हॉकी में इन्होंने 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था और प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। देखिए अर्जुन की बात चल रही है, और जो अर्जुन थे दोस्तों, ठीक है, वो इतने खतरनाक थे, यानी जो हर कोई उनसे क्या डेन, हर कोई उनसे डेन लेने में बिल्कुल कतराता था, ठीक है, डेन का मतलब होता है मेरी बारी है भाई, कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, मेरी डेन यानी मेरी बारी है भाई, ठीक है, तो अर्जुन से अपनी बारी लेने में हर कोई कतराता था। अगला देखिए, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए ओलंपिक की बात चल रही है, ठीक है, ओलंपिक में अब पदक लेने के लिए मल्लेश्वरी यानी मल्ल ही चाहिए भाई, ठीक है, ओलंपिक में तो तभी मिलेगा, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला नंबर, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, अर्जुन भी और गांधी भी, तो ये खेल रत्न दोनों पुरस्कार किसने प्राप्त किए थे? तो
ये किए थे दोस्तों कुंज रानी ने, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी थी दोस्तों ये कुंज रानी, इन्होंने दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त किया था, अर्जुन व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों। नेक्स्ट वन, प्रथम महिला मेयर कौन थी, ठीक है, तो प्रथम महिला मेयर थी दोस्तों तारा चेरन, ठीक है, मेयर, और वो थी दोस्तों ताया चेरन, मतलब ताया चेरियन, चेन्नई की थी। देखिए मेयर, मेयर से याद रखिए चेयर, ठीक है, यानी चेयर, चेयर्स, चेयर्स भाई, चेयर्स, तो चेरियन, ठीक है, उससे बन गया चेरियन। नेक्स्ट देखिए, प्रथम महिला स्नातक यानी जो प्रतिष्ठा किसने हासिल की थी, प्रथम महिला स्नातक, तो वो थी दोस्तों कामिनी राय, ठीक है, प्रथम महिला स्नातक थी वो कामिनी राय, इन्होंने 1886 ईस्वी में ये दोस्तों उपलब्धि हासिल की थी, प्रथम महिला स्नातक बन गई थी, स्नातक, ठीक है, इस नातक, और यह है राय। देखिए इस नातक भाई, इस नातक यानी इस नाते से मैं तुझे ये राय दे रहा हूं, कामिनी, बिल्कुल काम किया बिल्कुल। अगला देखिए, प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, वो क्या था, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा, और ये थी दोस्तों प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी वासु, ठीक है, चलिए याद रखना है आपको बिना ट्रिक के। अगला देखिए, प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी, ठीक है, प्रथम महिला फिजिशियन थी आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, ठीक है, फिजिशियन, तो वो थी आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। देखिए आपने सुना होगा जो फिजिशियन होता है दोस्तों उसमें क्या भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो एक पहली बात तो हर किसी को क्या देता है, राव यानी अपनी राय देता है, और जो फिजिशियन होता है दोस्तों उसमें जोशी यानी जोश सा भरा रहता है, ठीक है, तभी तो वो जो फिजिशियन होता है वो मरीज को देखता है। नेक्स्ट देखिए, अगला नंबर, प्रथम महिला सर्जन कौन थी, तो प्रथम महिला सर्जन थी दोस्तों डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ठीक है, सर्जन कौन थी, प्रेमा मुखर्जी थी। अगला देखिए, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी, वो थी दोस्तों सरेखा शंकर यादव, ठीक है, सरेखा शंकर यादव भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी। अगला देखिए, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो वो थी दोस्तों हरिता कौर दयाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी, वो थी दोस्तों ध्रुवा बनर्जी, ठीक है। अगला देखिए, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, पुनीत अरोड़ा थी। नेक्स्ट वन, 41, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी, तो पी बंदोपाध्याय थी, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। नेक्स्ट वन, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी दोस्तों, वो थी सुषमा चावला। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, वो भी अमेरिकी नागरिक थी। अगला नंबर देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। नेक्स्ट वन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी दोस्तों कमल जीत संधू। नेक्स्ट वन, 46 नंबर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो थी दोस्तों रीना कौशल धर्मसक्ट। नेक्स्ट वन, सात समुद्र जो सात सागर सागर जो होते हैं दोस्तों तैर कर पार करने वाली कौन थी, तो वो थी बुला चौधरी। नेक्स्ट, गोबी रेगिस्तान दोस्तों तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचेता कड़ेथानकर। देखिए गोबी यानी रेगिस्तान जो है वो बिल्कुल कड़े रूप से और कुछ ठान करी पार किया जाता है। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वो कौन थी दोस्तों, वो थी वीएस रमा देवी। अगला नंबर, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, वो थी अभिनेत्री नरगिस दत्त। तो नेक्स्ट वन, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो वो थी भारतीय मेहर मूसा, ठीक है, भारतीय महिला थी मेहर मूसा। नेक्स्ट वन, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली या जीतने वाली प्रथम महिला, ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी अमृता प्रीतम। नेक्स्ट वन, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, नेक्स्ट, तो इसका आंसर था दोस्तों मैरी लीला राव। नेक्स्ट, 54, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, तो वो थी दोस्तों देविका रानी रोरिक। नेक्स्ट वन, 55, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। नेक्स्ट वन, 55, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन थी,
तो वो थी दोस्तों प्रतिमा पुरी, ठीक है, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट वन, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक, महिला की तरफ से रजत पदक जीतने वाले प्रथम महिला व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, ये थी पीवी सिंधु। नेक्स्ट वन, 57, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली, ठीक है, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये थी दोस्तों साइना नेहवाल। 58 नंबर, ओलंपिक महिला, ठीक है, कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने ये पदक जीता था, वो थी दोस्तों साक्षी मलिक। अगला नंबर, ओलंपिक में मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला 2012 लंदन ओलंपिक में दोस्तों वो थी मैरी कॉम, ठीक है। चलिए 59 हो गया कंप्लीट। 60, भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, तो वो थी दोस्तों चौकीला अय्यर, ठीक है। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज। नेक्स्ट वन, ओलंपिक की जिमनास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला वो थी दीपा कर्माकर। 63 नंबर, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। नेक्स्ट वन, 64, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला वो थी दोस्तों डायना इदजली, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला वो थी दोस्तों सानिया मिर्जा। तो 65 क्वेश्चन थे जो कि दोस्तों आप सभी को कराए गए हैं। जितनों की ट्रिक संभव थी सभी की आपको प्रोवाइड करा दी है, और जिसकी ट्रिक संभव नहीं थी दोस्तों वो आपको एज इट इज ऐसे के ऐसा याद करा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी ही तरह की मजेदार वीडियोज पाने के लिए।